हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट की। आज के दिन की बात करें तो ट्राइडेंट में हमको एक धमाका देखने के लिए मिला है। 13% के ऊपर के अपसाइड के साथ फिलहाल हमको स्टॉक ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं स्टॉक जो है 46.35 रुपीज़ पर हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले लगातार हम डिस्कस करते आ रहे थे कि ट्राइडेंट में हमको एक जम देखने के लिए मिल सकता है, बड़ी बाइंग देखने के लिए मिल सकती है, किसी भी वक्त यहाँ पर हमको एक जम देखने के लिए मिल सकता है। और फाइनली आज के डेट में हमको जम देखने के लिए मिला है, एक बड़ा जम देखने के लिए मिला है। और इस जम के साथ हम देख सकते हैं स्टॉक ने अपना जो 44 का रेजिस्टेंस था, जहाँ से इससे पहले स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी, 30 रुपीज़ के आसपास से बाउंस बैक हुआ था और स्टॉक जो है 36-38 के बिटवीन कंसोलिडेट हो रहा था। उस वक्त हम लगातार कह रहे थे कि स्टॉक 40 के लेवल को ब्रेकआउट दे सकता है और हमको 44 तक के और 44 के ब्रेकआउट के बाद 50 के टारगेट को हमने डिस्कस किया था और आज ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी पूरे चांस बन रहे स्टॉक की क्लोजिंग 44 के ऊपर आने के पूरे चांस बन रहे हैं। अगर स्टॉक की क्लोजिंग 44 के ऊपर आती है तो हमको और इसमें बड़े टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। स्टॉक ने जो हमको 70 के लेवल से लगातार गिरावट दिखाई थी और जब गिरावट आई थी तो उसके बाद इसमें हमको रिकवरी देखने के लिए नहीं मिल रही थी। उसी बेस पर हमने कहा था कि इसमें किसी भी वक्त जम देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि मार्केट ने अपने हाई लगाते और ब्रेकआउट करते आया, लेकिन ट्राइडेंट में हमको तेज़ी देखने के लिए नहीं मिल रही थी। और आज के दिन में हमको 44 का जो लेवल है हमारा ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आया है। अब बात करते हैं सपोर्ट की, तो इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है 44 का लेवल, जिस लेवल को स्टॉक ने आज के डेट में ब्रेकआउट किया है। इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करने वाला 40 का लेवल, इसका तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 40 का लेवल। आने वाले दिनों में हमको यहाँ से और बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। अब इमीडिएट टारगेट हमारा बनने वाला है 50 का लेवल, और 50 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो वैसे कंडीशन में हमको 54 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में ही ट्राइडेंट दिखा सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।